हाय गाइस, मैंडी है। आज हम फिर से ये वाला कॉन्ट्रा खेलने आ गए, और इस बार ये कॉन्ट्रा में विलन एंडिंग के लिए इसमें विलन वाला एंडिंग रहेगा, जहाँ पे विलन जीतता है। सो बने रहे ये देखने के लिए क्या होता है। और इसमें मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो जस्ट कीप वॉचिंग। इसके दौरान मैं बीच में कोड डालूंगा, मतलब कोड बोलूंगा। ये बार बोलने का मतलब मेरे एडिटर पे थोड़ा लोड कम रहेगा, तो इसलिए मैं ही ये कोड मतलब डिस्क्लोज करूंगा क्या है कर। तो फिर से वही मैं रोबोट ही खेलने वाला हूँ फिर से, छोटू इसको छोटू बुलाता हूँ। और यह एडवांटेज है कि इसको एक डबल डबल जंप मिलता है इसके इसको, और थोड़ा मतलब हैंड उसके इसके जो पावर्स है वो थोड़े बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है कंपेयरिंग टू द अदर वंस, जो बहुत कंपेरेटिवली मेरे को लगता है ज़्यादा ये नहीं देते, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट नहीं आता। बट छोटू को क्या है कि वो उसका हाइट छोटा है एक तो ज़्यादा झुक सकता है वो, और ऊपर से उसका जंप थोड़ा बड़ा है, मतलब वो थोड़ा बूस्ट टाइप है, वो डबल जंप करता है, बाकी के कैरेक्टर्स डबल जंप नहीं करते। तो ये तो आप गए वीडियो में देखे रहेंगे ये वाला पार्ट आपने। सो कमिंग बैक, इसका मेरे को एक और चीज़ है कि मुझे ये उसका ये भी अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, म्यूजिक इज़ गुड फॉर अ गेम विच आई बिलीव इज ऑफ रिड्यूज फॉर 1994। गेम्स अच्छा था, कभी कभार मैं ये गेम म्यूजिक के लिए खेलता हूँ, तो मतलब म्यूजिक अच्छा लगता है कुछ गेम्स के। एंड हॉटलाइन मायामी इज वन एंड मुझे इसका म्यूजिक भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इसमें चार ऑप्शंस आते हैं, मतलब गेम आपको ऑप्शन देता है कि आपको गेम कैसे प्रोसीड करना है, और उसके हिसाब से आपको जो चॉइस रहता है आप जो पिक करते हो ऑप्शन, उसके हिसाब से गेम मतलब चॉइसेस मैटर, तो वो गेम के एंडिंग इम्पैक्ट करता है उस पर। तो ये एक्चुअली एक रोबोट है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, इसलिए पता नहीं इनको क्या है करके, तो अभी के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं। और जस्ट एन FYI, मेरा एक्चुअली बर्थडे भी था गए हफ्ते, तो वो और मैं हर वीडियो पे तो कुछ ना कुछ गिव अवे करता ही हूँ, तो मैं इस वीडियो पे मैं ये अमेज़ोन का 20 rupees का गिव अवे करने वाला हूँ। सो अगर आपको पसंद आए तो आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। ये एक्चुअली चैनल मैं थोड़ा भी शॉर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वैलोरेंट का, होपफुली वैलोरेंट में मैं आगे पहुँचूंगा, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं उसके लिए भी कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो हम लोग ने अलग ये किया है, मतलब डिसीजन लिया, तो हमें मतलब आप अपने अगर गया वीडियो देखा रहेगा तो ये थोड़ा अलग है, इसमें हम लोग प्लेन में चल रहे हैं, तो इसमें वो रॉकेट भेजता है, रॉकेट से आदमी निकलता है सोल्जर निकलता है। PS5 के भी लेने का सोच रहा, अभी अमेज़ॉन पे थोड़ा डिस्काउंट आ रहा है, बट डिस्क वर्जन और डिजिटल में थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले रेंटल का थोड़ा डिस्क का ही मेरे को लेने का है, थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें, टेबल वेबल सेटअप करना है मेरे को, तो टेबल एक बार सेट हो जाएगा तो PS5 के लिए भी अकोमोडेशन हो जाएगा। और मेरे को गेमिंग, मेरे लिए गेमिंग रिलैक्सेशन ही है, मतलब जॉब करता हूँ और काफ़ी टायर्ड हो जाता हूँ जॉब करने के बाद,
रिलैक्स करने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो घूमना तो पसंद है ही, बट घर बैठे बैठे सस्ते मस्ती, सस्ता रिलैक्स गेमिंग है भाई। होपफुली कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1K सब से कुछ तो पहुँचने के बाद लाइव स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि मुझे 1 वॉचिंग पे स्ट्रीम करना कुछ पसंद नहीं है, सच बोलूँ तो। होपफुली थोड़े बहुत व्यूअर बेस, सब्सक्राइबर बेस होने के बाद मैं थोड़ा लाइव स्ट्रीम करने का सोचूंगा। जी ओके, तो ये सब भाग गया है, कंपेरेटिवली यहाँ तक इजी था ऐसा कुछ। ये कुछ बच्चा टाइप रोबोट, मतलब बड़ा और तो खिलौने के साथ खेलते रहता हो ऐसा कुछ है ये रोबोट। और उसका खिलौना तोड़ने से उसको ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा कुछ तो है ये। ये जो इसका सेकंड पावर है ना, ये बहुत डैमेज देता है, बहुत इन्हें बहुत डैमेज देता है, कंसिस्टेंट डैमेज। अभी सेम वाला है जंक में, कचरे के वहाँ पे वो बैठ के लड़ने का है, जंक यार्ड में देख सकते हो पूरा मेटल मेटल नीचे गिरा है। इसका पावर मस्त है ये वाला, बट क्या है कि इसका टर्न रेट बहुत खराब, मतलब बकवास है, पीछे मुड़ने के लिए ऐसे टाइम लगाता है। बट ओवरऑल पूरा वाइपर जो कार का वाइपर टाइप है ना, वैसा मतलब वैसा काम करता है वो, सो दैट इज फाइन। ऑलमोस्ट AoE स्किल, मतलब हर जगह बैठने वाला स्किल है ऑलमोस्ट, बट जस्ट द रिस्पॉन्स इज सो लो, मतलब मुड़ने के लिए डायरेक्शन चेंज करने पर वो फटफट डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है दुश्मन तो मुश्किल है, वो या फिर तुम्हें टारगेट हिट करना है। और मैंने गए हफ्ते वीडियो नहीं डाला, नॉट बिकॉज मेरा मतलब बर्थडे से बिजी था, एक्चुअली मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे घर पे, तो दोनों मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ता है। तो टाइम जब मिलता है तभी तो मैं ये रिकॉर्डिंग वो सब करता हूँ, इट्स बीन लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो छुप छुप के मैं वीडियो बनाता हूँ टू बी ऑनेस्ट विथ यू। जब घर पे पूरा साइलेंस रहेगा उस टाइम पे ही मैं वीडियो बना सकता हूँ। और मैंने एक्चुअली गए बार, मेरा कंप्यूटर उतना हैंडल नहीं करता, मेरे स्पेसिफिकेशंस देखोगे मेरा बहुत 1660, 100% CPU यूसेज पे चलता है, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू स्ट्रीम एंड गेम एज वेल। तो मेरे को ये ऐसे आँख में, मतलब मेरे को आँख से दिखता है कि ये कंप्यूटर रो रहा है करके, छोड़ दे भाई मेरे को, मेरे से नहीं हो रहा ज़्यादा करके।
तो अभी ये जो साइंस देख रहे हो ना, ये सब कन्वर्ट होके आ रहा है, ये सब एक 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 साइन है। पहला वाला था वो वेल, जो आई बिलीव टॉरस, उसके बाद था आई बिलीव सेजिटेरियस, और आई बिलीव तीसरा था एक्वेरियस। टॉरस, दो जन बेटे रहते हैं, टॉरस था पहला वाला, दूसरा वाला था सजिटेरियस, करेक्ट, और तीसरा वाला था जेमिनाई बिलीव सो। तो अभी हेलीकॉप्टर बन गया है टैंक से। मैं जब पहले लाइव स्ट्रीम भी करता था तो पब्लिक स्ट्रीम स्नैप करता है, तो डिले डाल के खेलना पड़ता है एंड ऑल दोस हैसल्स इज वेरी डिफिकल्ट, सो डज नॉट मेक एनी, मतलब अगर किसी को भी मतलब फ्री ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, फ्री मैच मेकिंग में ये मिल रहा है, तो लोग तो अब यूज करेंगे ही करेंगे। सो वॉन्ट टू स्ट्रीम, इवन मैं एकदम लो रैंक खेल रहा हूँ उसमें भी स्ट्रीम स्नाइप करते हैं, तो क्या बोलने का, डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी टू गिव माई बेस्ट व्हेन नोबडी इज वॉचिंग इट। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज ऑफ गेमिंग चल रहा है इंडिया में, विच मीन्स पब्लिक अभी ज़्यादा मोबाइल पे क्रेज हो रहा है। थोड़े दिनों में मोस्ट लाइकली पीपल विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन पीसी, तो पहला गेमिंग इस पे ही होने वाला है मोबाइल पे। और थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा पब्लिक अपने लाइफस्टाइल में गेमिंग लेके आने के लिए पबजी मोबाइल से स्टार्ट कर रहा है, एंड वंस दे गेट इन टू दैट देन आई थिंक दे विल सी द वर्ल्ड ऑफ पीसी गेम्स, विच वुड बी द नेक्स्ट फेज। जैसे कि आई कैन से दैट लाइक एग्जाम्पल इसे दे रहा हूँ कि अभी पता नहीं आपको अभी पता है कि नहीं कि एम आई, वन प्लस, ये लोग अभी सस्ते फ़ोन नहीं बना रहे, ये अभी प्रीमियम फ़ोन ही बना रहे जो 40,000 ऐसे आ रहे हैं करके। वो इसलिए है कि पहले था कि सब कोई मतलब 10,000 20,000 के मोबाइल्स ही लेने के, बट अभी आप देख सकते हो लोग पब्लिक को अभी मिड रेंज प्रीमियम फोन्स ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब पब्लिक 20-30 हज़ार खर्च करने के लिए तैयार है फोन्स के लिए। तो इवन आई थिंक एम आई अभी उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, 10,000 के नीचे का मार्केट कम है। तो इन द सेम वे अगर पब्लिक मोबाइल गेमिंग खेल रहा है इतना, तो द नेक्स्ट फेज वुड बी एक सर्टन टाइम के बाद वो गेमिंग कंपेयर करना चालू कर देंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल और पीसी गेम्स। और जब वो पीसी गेम्स देखेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि अरे वाह, पीसी में तो मोबाइल से भी बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, और एक बार उन्होंने ट्राई किया तो फिर वो खुद भी पीसी लेना चालू कर देंगे। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो पीसी में मतलब शिफ्ट होंगे, तो दैट आई बिलीव वुड बी द फ्यूचर फॉर गेमिंग इन इंडिया, दैट इज। मुझे बताना आप ये गेमिंग कैसे करते हो इन द कमेंट सेक्शन।
और कमिंग बैक टू द गिव अवे, ऑलरेडी भूल गया था, द गिव अवे कोड इज ए एज एन एप्पल नंबर 8, वाई एज एन यांकी और नंबर 8. तो दैट इज द फर्स्ट कोड ऑफ द वन ऑफ द थ्री कोड्स. तो तीन कोड है, उसमें से पहला कोड है गिफ्ट कार्ड का, फिर से बोल रहा हूँ, ए एज एन एप्पल नंबर 8, वाई एज एन यांकी और नंबर 8. तो देखते रहिए, मैं बाकी के कोड शेयर करूँगा, थोड़ा अपने एडिटर पे भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा. अब एडिटर में ही हूँ, कम ऑन एक्सपीरियंस. ओके सो ये एक्चुअली इस टाइम पे मैं नहीं इसको मारता, क्योंकि जितना मारोगे वो ज़्यादा बाउंस होना चालू हो जाता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मार मार के, इसलिए मैं उसको मारता नहीं है इस वो, जब वो हेलीकॉप्टर जैसा बना रहता है तभी, एक कीड़ा जैसे ऐसा करते रहेगा तो उस टाइम पे जितना मारना मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा रैंडम है ये, ओ गॉड, उसमें मैं मरने वाला था, कुछ ऑप्शन नहीं था उसमें. जब भी कर लो वो एस्केप करने वाला नहीं था, वो एंगल ही बहुत टफ टाइप था, वो डू एनीथिंग बेटर. और इसमें एक और चीज़ नोटिस किया रहेगा, इसके अंदर डेडाई जो था स्टार्टिंग में, उसको स्टार्टिंग के जो पहले गेम में वो रोबोट के अंदर बैठा था, वो अभी इसके अंदर बैठा है. दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस. वो अगर मैंने अलग चॉइस लिया है, रिसर्च सेंटर तो पहला रहता है कि आप उसके पीछे भागोगे, डो जो के पीछे, नहीं तो रिसर्च सेंटर के पीछे पर जाओगे. तो हमने इस चॉइस पे रिसर्च सेंटर चूज़ किया था, इसके वजह से ये एंडिंग हम ये मिल रहा है हमको. ये थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि एक्चुअली ये मारना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, मतलब मुश्किल इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अपने पास वो सेकंड ऑप्शन सेकंड पावर नहीं है. वो इसलिए क्योंकि जब अगर आप जो पावर हाथ में पकड़ते रखते हुए मर जाते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि वो पावर भी चला जाता है. वाइपर, कमिंग बैक टू द गैजेट्स, मैं थोड़ा वाइपर मिनी लेने का सोच रहा था, मो माउस जो 1700 का था जब, आई थिंक थोड़े दिनों पहले, और फिर बाद में आई थिंक बंदा ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया वेनम करके, एक बंदा है, तो उसके बाद उसका प्राइस हो गया 1197, मतलब सीधा ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ से उसका प्राइस बढ़ गया. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइस ड्रॉप, पर वो ड्रॉप हो गया तो मैं खरीदूँगा. तब तक तो दैट आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट वांट टू ट्राई. मेरे पास करंटली लॉजिटेक G5 2 है, तो मुझे मेरे हाथों के लिए थोड़ा बड़ा लगता है मेरे को. ये ऑलमोस्ट द सेम, ये है कम, इसमें बाद में पता चलता है कि डॉक्टर इसके साथ मिला है. सो यहाँ तक थोड़े सेम सिमिलैरिटीज आई थिंक ये स्टेज में, ये स्टेज तक, उसके बाद अलग अलग एंडिंग मिलेगा हमको.
वे लकी रहता तो फट से फूट जाता है। और अभी मैं सेकंड कोड बताता हूँ। सेकंड कोड है सी एज इन कैट, टी एज इन टैंगो, नंबर 4, आर एस एन रोमियो, बी एस एन ब्रावो, जे एस एन जूलियट। तो यही है दूसरा कोड, फिर से एक बार बोल देता हूँ। सी एस एन चार्ली, टी एस एन टैंगो, नंबर 4, आर एस एन रोमियो, बी एस एन बॉय एंड जे एस एन जूलियट। तो भी वो साइंटिस्ट सबको मिक्स करा रहा है। और ये एक्चुअली ये वाला कीड़ा थोड़ा पावर देता है, तो इसको मारने का नहीं रहता, ये अपना दोस्त जैसा ही है। ये इसका थर्ड पावर है ना, बहुत पावरफुल है। हॉरर मूवी जैसा ही है, मतलब दो एनिमल्स को एक साथ मिक्स करके लगा दिया, चिपका दिया। एक्चुअली करना तो नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे ही नहीं है, इसलिए लास्ट में वो देखो उसकी एक्सपेरिमेंट उसी को ही खा गया फाइनली। तो क्या है ये, क्या है जान, क्या हो, राक्षस है। तो अभी इसका जो अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, जो ये थोड़ा अलग है, पहले आपने देखा नहीं रहेगा। थोड़ा मैं आपको एक हिंट देता हूँ, थोड़ा ट्रांसफॉर्मर्स वाला थोड़ा ये है। तो इसमें देख सकते हो, मैं एक शिप में जा रहा हूँ और ऊपर एक पंछी टाइप रोबोट ऐसा आया है। शिप रोबोट नहीं बोल सकता है, पंछी टाइप प्लेन है। वो एयर हो गया, ये अभी दूसरा आएगा, ये अंडर वाटर टाइप कुछ था, जेली फिश। उसको तो मैंने मार दिया, बट उसने कुछ तो ऐसा इसका छोड़ दिया जिससे शिप डैमेज हो गया। तो उसके अंदर से मेरे को इस पे जाना पड़ता है बोट पे। अभी ये कुछ तो, ये कौन सा मछली टाइप है, डॉल्फिन, डॉल्फिन का याद आता है मेरे को ऐसे। इससे बचना ही मुश्किल है। फाइनली वो अभी तीनों आ गए प्लेन, डॉल्फिन, पंची और अंडरवाटर, तीनों मिक्स होकर एक रोबोट बन गए। मतलब सोचो ना, उस टाइम पे 1994 में उन्होंने ऐसा सब कॉन्सेप्ट सोचा है। और वो जल्दी मार दिया उसको थर्ड पावर की वजह से, अभी वो बदल गया। पहले अभी पंची बन गया वो। होपफुली मैं इसको क्लियर कर सकूं। थोड़ा हार्ड पड़ रहा है ये, कौन सा सब नए नए अंडे बिंडे डाल रहा है ये, कुछ नया नया कॉन्सेप्ट है ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये वेरिएशन। धपा धप मर रहा, मेरे सारे पावर चले गए। वेरिएशन के लिए तैयार नहीं था सीरियसली, मुझे लगा मर जाएगा वो। देखो
फाइनली वो खत्म हो गया भाई। अभी क्या है, अभी तीसरा आ रहा है। ये तो टैंक ही बन गया भाई, क्या है। छोड़ ही नहीं रहा भाई, क्या पकड़े रखा है। अरे 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 मैं तो ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा, फिर से ट्राई करता हूँ। आपने देखा ही रहेगा ये कि क्या है ये मशीन, ये इंसान है क्या। तो हर टाइप का एक एक कुछ तो अलग बनता है, ग्रास ऊपर लगता है मेरे को ये। तो ऐसे ही रहा हो, फाइनली हो उसका स्टेज खत्म हो गया। अभी दूसरा ये पंछी, थोड़ा लक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा मेरे को पहले अभी समझ गया, मैं थोड़ा पहले से साइड पे हो गया कि क्या आगे पीछे करता है ये। लेफ्ट राइट कोने पे। ये अंडा छोड़ने वाला लगता है। वो भी खत्म हो गया। अभी आएगा टैंक, डांस क्यों कर रहा भाई मारने के बजाय। ओके वो भी मर गया, अब तीनों मिलके फुट गए। मिलने की जरूरत नहीं, वैसे वहीं पे फुट जाता तो ठीक रहता था, ऐसा कुछ नहीं। बट और गेम वालों ने वैसे बनाया। आपने दरवाजा ही तोड़ दिया फुल। ये थोड़ा ना मेरे को मुश्किल पड़ता है ये चीज, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्किपिच कर रहा हूँ। बिकॉज़ आई कैन स्किप दो, आई हैव द ऑप्शन। अभी यहाँ पे पब्लिक आके फुल के मतलब ये जो एंट्स एंट्स रहते ना, चीटी चीटी की जैसे कुछ तो कंबाइन करके क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इससे क्या होने वाला है। सब हाथ भी पकड़ कर ऐसे गोल सर्कस कर रहे हैं लोग। ये देखो ये क्या है, ये ह्यूमन लैडर। अरे कोशिश कर रहे हैं नाच नाच के मारने की। बट अगर तुमको प्रॉपर पोजीशनिंग पता रहेगा या पैटर्न पता रहेगा ना, तुम निकाल सकते हो आराम से। यहीं पे बॉम्ब फोड़ दिया जस्ट इन केस। लकीली मेरे पर वो गिरने वाला था लॉल। और यहाँ पे फाइनल बॉस जो गए बार भाग गया था, ये बार हमको ये फाइनल बॉस आता है और बोलता है कि तू स्ट्रांग है, मेरे को ज्वाइन कर करके दुनिया पे काबू करेंगे। और मैं इस पे एग्री कर देता हूँ। और ये है विलन एंडिंग, इसमें मैं विलेन के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता हूँ।
तो दिस इज द एंडिंग गाइस, और है कि इसका लास्ट एक कोड आपको मैं दूंगा, विच इज ऑफ द गिफ्ट कार्ड नंबर 3, सी एस एन चार्ली, बी एस एन बॉय, नंबर 4. सो दिस इज द कोड गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. ब्रो बाय, गाइस, मजा आ गया। सब्सक्राइब करो, लौंडे के सब्सक्राइब करो.